Hi guys, today we are going to replant Gazania flowers. Okay, तो मेरे पास तीन Gazania flowers हैं, एक ऑरेंज है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड वाइट है और ये वाइट है. इसका एक फ्लावर अभी जा चुका है, यहाँ से मैंने कट किया है उसको क्योंकि वो सूख रहा था. उसका एक फ्लावर अभी आने वाला है. दिस इज़ द बर्ड. थोड़े दिनों बाद मैं आपको अपडेट जरूर करूँगी जब ये फ्लावर खिल जाए. तो ये तीनों प्लांट्स हम लोग आज रिपोर्ट करने वाले हैं. ये आपको नर्सरी में अराउंड 30-40 रुपीज़ में मिल जाएगा. सो मेरे पास ये तीन पॉट्स हैं, तो पहले इस पॉट से स्टार्ट करते हैं. सारे ओल्ड पॉट्स हैं. मैं आपको बता देती हूँ सबसे फर्स्ट कि हम सॉइल मिक्स क्या यूज़ करें. दिस इज़ नॉर्मल गार्डन सॉइल. जो भी आपके एरिया में आपके नर्सरी में सॉइल मिलता है आप वही लीजिए, वही बेस्ट होगा. ऑनलाइन अलग अलग तरीके के सॉइल्स आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है. जो नर्सरी में मिलता है, मुझे ऑलमोस्ट एक पूरी जो 100 kg की बैग होती है वो हमारे नर्सरी में अराउंड 100 रुपीज़ मिल जाता है. 100 रुपये में एक पूरी गोनी भरकर सॉइल मिल जाती है. उस तरीके से इतना सस्ता होता है लोकल नर्सरीज में. आपको अलग से महंगे महंगे पॉटिंग मिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. सो ये वो गार्डन सॉइल है. ये भी पुरानी है, इसमें मेरे पहले के प्लांट्स लगे हुए थे अभी ठंडी में जो सूख गए हैं, तो मैंने उसी पॉटिंग मिक्स को रीयूज़ किया है. अब इसमें क्या हुआ है, मैंने इसको थोड़े दिन सुखा लिया था. इसमें कुछ कुछ स्टोन्स भी है, बट दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आप लोगों को दिख रहे होंगे थोड़े बहुत सूखे पुराने रूट्स भी है. हम लोगों को पॉटिंग मिक्स लगेगा. एक और चीज़ जो मैंने ली है वो है वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, सो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे. तो ये ऐसे तीन पॉट मिट्टी है, उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट मिलाने वाली हूँ. अराउंड में इतना वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ. अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं. अगर आपके पास नीम की खली है तो आप उसमें नीम की खली भी मिक्स कर सकते हैं. और इसमें हम एक और चीज़ डालने वाले हैं जो हमको फंगस से बचाएगी, वो है ये कोयले के टुकड़े. ये सारी चीज़ें हमको फंगस से बचाती है मिट्टी में. जो रूट्स जब हम न्यू प्लांट्स लगाते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, कभी हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं, कभी कम पानी डाल देते हैं. विंटर्स में पानी ठहर जाता है प्लांट्स में, तो उसमें फंगस लगने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. तो ये क्या करता है, इसके दो बेनिफिट्स हो जाते हैं, दो फायदे हो जाते हैं होल डालने के, कि एक ये पानी को रिटेन करता है, जल्दी आपकी मिट्टी सूखेगी नहीं. दूसरा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आपके प्लांट्स को फंगस नहीं लगेगा. तो हम इसमें से थोड़े कोल के पीसेज ऐड करेंगे मिट्टी में. ये जल्दी टूट भी जाता है. ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, वरना ऑनलाइन अमेज़ॉन की लिंक मैं दे दूँगी. इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो है नीम की खली. ये भी आपको किसी भी नर्सरी शॉप में बहुत इजीली मिल जाएगी, वरना एग्रीकल्चरल शॉप में मिल जाएगी. सो ये ऐसी होती है, इसको आप छोटे छोटे तोड़ कर डालिए. मैं जल्दी ही एक वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ जिसमें नीम की खली से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं वो दिखाया जाएगा. सो फिलहाल हम इसको मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्लो रिलीज़ होगा मिट्टी में. और बेसिकली सबसे फर्स्ट सॉइल जो आप बनाते हो, जिसमें आप प्लांट लगाते हो, वो जितनी अच्छी हो आपकी प्लांट की हेल्थ उतनी अच्छी होगी. सो उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे. मिट्टी काफ़ी चिकनी मिट्टी है और काफ़ी कड़क हो जाती है, तो उसमें आप ज़रूर से कोकोपीट मिलाइए, या फिर बालू जिसे कहते हैं, जो रेती होती है, रिवर सैंड होती है, अगर आपके यहाँ पर वो मिलती हो तो मिलाइए. मेरे यहाँ पर वो मिलती नहीं है, तो और मेरी मिट्टी में ये जो, क्योंकि पुराने प्लांट्स की मिट्टी है, इसमें ऑलरेडी कोकोपीट मिला हुआ है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं मिला रही हूँ. सिर्फ ये मिट्टी और कोकोपीट, और हमने डाली है वर्मी कंपोस्ट और थोड़े से कोल के पीसेस, और हमने डाली है नीम की खली, सॉरी सरसों की खली. वो सरसों की खली थी जो हमने इसमें मिक्स करी थी. काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है वो. सो ये हो गया. चलो जल्दी से हम तीनों पॉट्स को थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं. और पॉट्स भरने से पहले, क्योंकि हमारे पॉट्स में ना काफ़ी बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो काफ़ी टाइम क्या होता है ना, जब हम इनको हैंग करते हैं और इनको वाटर करते हैं, तो ना नीचे से मिट्टी सारी निकल रही होती है और हमारी सारी बालकनी गंदी हो जाती है. और काफ़ी दफ़ा कैसे होता है कि हमने किचन साइड में भी अपनी हैंगिंग पॉट्स लगाई होती है, तो वहाँ पे भी काफ़ी गंदगी हो जाती है. उसको बचाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन जस्ट प्लेस वन लिटिल रैग. छोटा सा कपड़ा है, कोई भी तरीके का कपड़ा, कॉटन का आप ले सकते हो.
और उसको नीचे बिछा दीजिए, उससे आपकी मिट्टी नीचे नहीं जाएगी, नीचे से नहीं जाएगी। तो थोड़ा सा मिट्टी भरने के बाद क्या करेंगे, हम एक पॉट लेंगे, हम एक प्लांट लेंगे, उसको हम कट कर देंगे साइड से। और आप देखोगे जो नर्सरी से ये प्लांट्स आते हैं काफ़ी कड़क मिट्टी में होते हैं, काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है और काफ़ी कड़क हो जाती है थोड़ी भी सूखने पर। तो इसमें क्या होता है कि रूट्स को ग्रो होने का मौका नहीं मिलता है। थोड़ी सी मिट्टी को आप लूज कर लीजिए, देखिए इसके रूट्स इतने नीचे गए नहीं है अब तक। थोड़ी सी मिट्टी को आप लूज कर लीजिए, प्लांट को रख लीजिए एंड आपकी जो सॉइल मिक्स है वो इसमें डाल लीजिए। साइड से भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप इसको लूज़ कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको उसका रूट सिस्टम नहीं हिलाना है। अगर आप न्यू है प्लांटिंग में तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप उसका रूट सिस्टम को हिलाएं ना। रूट सिस्टम यानी जड़, हमको जड़ों को हिलाना नहीं है उस प्लांट के, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी उसका घर चेंज हुआ होता है तो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। एंड हमेशा जब भी आप प्लांट नर्सरी से लेकर आते हो तो एक दो हफ्ता उसको अपने घर में रखिए, उसको क्या कहते हैं कि आपके घर का जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, उससे अडेप्ट होने दीजिए, ताकि वो भी उसको समझ में आ जाए कि उसका घर चेंज हुआ है। एंड उसके बाद उसको रिपोर्ट करें। लाते साथ में अगर आपने रिपोर्ट किया तो प्लांट कभी कभी काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है, और वही रीज़न होता है कि हमारे प्लांट्स, हम इतने मेहनत से प्लांट्स लाते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं और वो थोड़े ही दिनों में, एक हफ्ते में वो सारे सूख जाते हैं। तो हमेशा प्लांट्स लाने के बाद थोड़ा टाइम रुकिए, उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। तो ये हो गया हमारा प्लांट रिपोर्ट। इसी तरीके से मैं ये बाकी दो भी कर लूँगी और मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। इसके रूट्स नहीं है इतने गहरे, इसको भी हम थोड़ा सा मिट्टी को लूज करेंगे नीचे से। को हमने रिपोर्ट कर दिया है, काफ़ी इजी होता है। इसको बस हम वाटरिंग कर देंगे अभी अच्छे से। मेरी मिट्टी ऑलरेडी हल्की मॉइस्ट है, इसलिए मैं बहुत कम वाटर डालूंगी, बट पानी डालना ज़रूरी है वरना प्लांट सुबह तक सूख जाएगा। ये सारे मेरे हैंगिंग बास्केट से एक्चुअली, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं या हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। द रीज़न मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है क्योंकि ये काफ़ी फैलता है ये प्लांट, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती बट ये साइड से ग्रो होता है। तो जब भी आपके फ्लावर्स, जैसे ये वाला जो फ्लावर है ना, मेरे काफ़ी दिन से थे दोनों, और ये आज नया है, तो ये कल एक और बार खिलेगा और इसके बाद मैं इसको तोड़ दूँगी इन दोनों को। तो जितना आप इनको पुराने फ्लावर्स को निकालते जाओगे ना, उतना ही नए फ्लावर्स आते जाएंगे। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा फ्लावर आ रहा है, तो जितना आप इनको कट करते जाओगे उतना ही ज़्यादा नीचे से नए नए प्लांट्स आते जाएंगे।